अब आप देखेंगे यह बकरीद आने वाली है। अचानक हैदराबाद की जो रोड है वहां पर गौ रक्षक पैदा हो जाते। अरे जो करो साल के 11 महीने तुम्हारे को याद नहीं आई अम्मा की मोहब्बत, याद नहीं आई तुमको, अब तुमके बकरीद आ रही फौरन है। कल मीन पे पुलिस स्टेशन में 11 बैलों को पकड़ लिए। बिचारों ने फोन करा मेरे को रात के 11:30 पौने 12। मैं बोला क्या है भाई, लगा रहा फोन कंटिन्यूअसली, रिश्ता क्या है तेरा? बोला कि मेरे बैलों को पकड़ लिए। बोला हम मम्मी थे क्या उसमें? तो ये नो मम्मी ओनली बैल। मैंने कहा वेरी गुड, मम्मी रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कानून है, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। मैं इंस्पेक्टर से बात किया तो इंस्पेक्टर एक नया सोचा देती, हजरत पुलिस मौलाना आफिल साहब बोलते थे रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना आफिल साहब अपनी तकरीर में जरा बोले कि अकबर अलाबादी का शेर था, मौलाना उसको थोड़ा बदल के बोले कि शैतान बोला जब पुलिस बनाई गई तो शैतान बोला लो आजम साहब के हवाला। इंस्पेक्टर साहब बोले नहीं साहब हम उनको वो एक्ट में बुक नहीं करे। बोला कौन सा एक्ट में बुक करे आप? तो बोले क्रूरती एक्ट में। मतलब क्या क्रूरती है? नहीं एक गाड़ी में इतने बैल को रख के ले जा सकते ना साहब। मैं अच्छा बैल को कितने बैलों को रखना बोल तुम्हें को? तो बोले उसकी जो गाड़ी है उसमें खाली 8 बैल आते। मैंने यू कितने लाए? यू 12 लाए। मेरा अच्छी बात है इंस्पेक्टर साहब, मैं कल RTI का एप्लीकेशन मीरपेट पुलिस स्टेशन में डालने वाला हूं। बोले क्या डालेंगे आप? मेरा मैं पूछने वाला हूं कि साल के 11 महीने पिछले 11 महीने में कितने क्रूरती एक्ट में आपने गाड़ियों को रोका मेरे को बताओ। अरे बुजुर्ग ने बोला साहब ने क्या कर दिया आप मेरे को रात के 12 बजे फोन करके तंग कर रहे? नहीं तंग नहीं करो, सुबह 11 बजे आपके एप्लीकेशन पढ़ चुका होगा। मेरे भाई ये गौ रक्षकों की सोच और फिक्र आरएसएस की आजादी से, इसीलिए मैंने हिंदुस्तान के लोकसभा में कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं अपने हिंदू भाइयों से कि आपके 5000 साल की तहजीब है, संस्कृति है, खुदा के लिए अपने मजहब को बचा लो हिंदुत्व के लोगों से। मैं हिंदुओं का खिलाफ ना था ना कभी रहूंगा इंशाल्लाह होगा, मैं हिंदुत्व का खिलाफ था और रहूंगा इंशाल्लाह। इसलिए कि हिंदुत्व हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर के खिलाफ है, हिंदुस्तान के प्लूरिज्म के खिलाफ है, हिंदुस्तान के रूल के खिलाफ। हम तो हुकूमत से यहां पर अपनी हुकूमत से कहना चाहते हैं, पुलिस के आला अधिकारियों से कहना चाह रहे हैं ये शयातीन को रोको आप, ये पुरमन माहौल को मगदर करना चाहते हैं। यकीनन अगर आपको गाय से मोहब्बत है तो उसका एहतराम कर दो, मगर ये जरूरी नहीं है कि आपकी तहजीब को मैं अपने आप उन पर मुसलत करूं या मैं अपने मजहब को आप पर मुसलत करूं। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है।